चलिए तो जल्दी से एस ब्लॉक को रिवाइज करते विद ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में जाने से पहले पता होने चाहिए देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स में बेसिकली जो मेटल्स हमारे पास आते हैं दे आर ऑल रिलेटिवली सॉफ्ट हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं इसलिए बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं इनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स बेसिक होते हैं एंड द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप क्योंकि मेटेलिक करेक्टर भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है अब अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम को काउंट नहीं किया जाता और अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें फ्लेम टेस्ट की तो लिथियम जिसका डॉमिक नंबर यहां पे सभी मेटल्स के दिए गए हैं तो लिथियम इज क्रिम्सन रेड कलर शो करता है सोडियम का येलो है पोटासियम का वायलेट या लीलैक रुबिडियम रेड वायलेट और सीजियम का ब्लू है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो फ्लेम टेस्ट में बेरिलियम और मैग्नीशियम क्योंकि उनमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एक्साइड करने के लिए एनर्जी हायर रिक्वायर्ड होती जो कि आपकी विजिबल रीजन में नहीं है सो दैट इज देर इज नो फ्लेम कलर्स, बट कैल्शियम आपका ब्रिक रेड स्ट्रॉनशियम क्रिम्सन रेड और एप्पल ग्रीन कलर शो करते हैं बेरियम राइट एंड डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी नॉर्मली डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है पर पोटाशियम और सोडियम में थोड़ा सा एक्सेप्शन है मतलब आपको लगेगा कि सर सोडियम पहले आना चाहिए था फिर पोटाइम बट यहां पर अदला बदली हो जाती तो याद रखें कि डेंसिटी इंक्रीज करेगी बट सोडियम पोटाशियम का अदला बदली होता है और मेल्टिंग पॉइंट बॉइयिंग पॉइंट आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉनिफिनिटी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ये सारी प्रॉपर्टीज डाउन दुप जाने पर डिक्रीज करती है ये लोअर एरो का मतलब डिक्रीज करना ठीक है और अप एरो का मतलब इंक्रीज करना डायग्ल रिलेशनशिप की बात करें तो डायग्लिन रिलेशनशिप क्यों एग्जिस्ट करता है बिकॉज चार्ज टू साइज रेशो या चार्ज डेंसिटी जो है दट इज ऑलमोस्ट सिमिलर तो देखिए लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में एग्जिस्ट करता है बेरिलियम एलिमिनियम के बीच में बोरन और सिलिकॉन और कार्बन और फॉस्फरस के बीच में मतलब सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के बीच में ये एग्जिस्ट करता है लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम के पास एक एनोबलस बिहेवियर होता है मतलब अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के कंपेरिजन में ये थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करता है क्यों क्योंकि इसका जो कैटैन बनेगा एल पॉजिटिव उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत हाई होगी इसकी वजह से फजान रूल के अकॉर्डिंग वो बहुत कोवलेंट कंपाउंड बनाना चाहेगा दट इज वाई इट फॉर्मल कंपाउंड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसका अगर आप एसआरपी की वैल्यू देखें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की तो दट इज माइनस थ्री इसका डेल्टा एच हाइड्रेशन बहुत ज्यादा है मैक्सिम अपने ग्रुप में क्योंकि सबसे छोटा है साइज में एंड दट इज वाई इट फॉर्म्स हाइड्रेटेड सॉल्ट और इसकी आयर्नाइजेशन एनर्जी भी काफी हाई है तो लीथियम को अगर आप एयर में हीट करेंगे तो इट फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड जो कि बाकी के एल्केमेटल तो नाइट्राइड बिल्कुल नहीं बनाते ठीक है और बाकी के में सोडियम को अगर आप एयर में एक्सेस ऑफ एयर में हीट करोगे तो वो परऑक्साइड बनाता है और सुपर ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी और आर पैरा मैग्नेटिकन नेगेटिव में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है तो लिथियम नाइट्रेट अगर आपका डिसोशिएट करेंगे हीट करके तो वो ऑक्साइड प्लस एनओ टू प्लस ओटू बनाता है जबकि बाकी के अल्कली मेटल नाइट्रेट्स एम एन ओ टू मतलब नाइट्राइट प्लस ओ टू देते हैं तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ गैसेज का भी डिफरेंस आ जाएगा कि लिथियम के केस में आपको दो गैसेज मिल रही हैं बट बाकी मेटल नाइट्रेट के, के केस में सिर्फ एक गैस आपको मिल रही है अब अल्कली मेटल्स बिकॉज दे आर ऑल हाईली रिड्यूसिंग इन नेचर तो किसी भी कंपाउंड के पास लाइक अल्कोहल हो गया अमोनिया हो गया और टर्मिनल अल्काइंस होगी जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है उसके साथ रिएक्ट करके ये एच टू गैस रिलीज करते हैं जिससे कि ये प्रूव होता है कि ये सारी हाइड्रोजन एसिडिक थी नाउ लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट और सोडियम लीस्ट पावरफुल अगर हम अल मेटल्स की बात करें बेरिलियम टू पॉजिटिव क्योंकि बहुत छोटा है साइज में और टू पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है तो इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से ये मोस्टली हाइड्रेट बनाता है और हाइड्रेट्स में जैसे कि आप बीईसीएल टू की बात करो तो बीईसीएल टू डॉट फोर एच टू की फॉर्म एक्सिस्ट करेगा जहां पर बेसिकली बेरिलियम चार वाटर मॉलिक्यूल के साथ कॉर्डिनेटेड है तो इट इज एक्चुअली बीई एच टू फोर टू पॉजिटिव और बेरिलियम क्योंकि ऑक्टेड अपना एक्सीड नहीं कर सकता इसलिए इसकी जो मैक्सम कॉर्डिनेशन नंबर है वो आपका फोर ही पॉसिबल है तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी काफी कम होती है इसलिए ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करते ये नॉर्मली बॉयलिंग वाटर इनको चाहिए होता है रिएक्ट करने के लिए और बाकी नीचे के जो मेटल है वो आराम से बोलते हैं कि हम ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाएंगे बिकॉज उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो उन्हें गर्म पानी की जरूरत नहीं पड़ती बेरिलियम के कंपाउंड उसकी हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से कोवलेंट हैं जैसे बी ई एफ टू बी ई सी एल टू बी ई एच टू एम जी एच टू दे आर ऑल कोविलेंट याद कर लें इंपॉर्टेंट है और स्टेबिलिटी ऑफ मेटल हाइड्राइड्स अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल एमएच मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्राइड की बात करें तो डाउन ग्रुप जाने डिक्रीज होती है स्टेबिलिटी मतलब ऊपर वाले हाइड्राइट ज्यादा थर्मली स्टेबल होंगे तो बेरिलियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ही कोवलेंट है तो बीईओ कोवलेंट है और एम्फोट्रिक है ठीक है तो बाकी के जो ग्रुप टू के मेटल तो है राइट right? और बाकी के जो अल्कली सॉरी अल्कलाइन अर्थ मेटल के हैं दे आर ऑल आयनिक अब बीई सी एल टू सॉलिड फॉर्म में जब होगा तो वो इस तरह का पॉलीमर में एग्जिस्ट करेगा उसको आप गर्म करोगे हीट करोगे तो हीट करने पे जब वो वेपर फॉर्म में जाएगा तो वो डायमर बनाता है और, और बारह सो कैलफिन पर हीट करने पर बीईसीएल टू मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है अब अगर आप इन अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को अमोनिया के सोल्यूशन में डालेंगे ठीक है मतलब लिक्विड अमोनिया में डाल दीजिए तो अल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डालने पे क्या होता है मेटल का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा और जो इलेक्ट्रॉन निकला है क्योंकि मेटल एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा एम पॉजिटिव बनाएगा वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी अमोनिया से सॉल्वेट हो जाएगा तो उसको बोलेंगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन और जो सोल्यूशन का ब्लू कलर आता है दैट इज बिकॉज ऑफ द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन और क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है पेड है तो दैट इज इट इज पैरामैग्नेटिक तो मैग्नेटिकायल सोल्यूशन ब्लू कलर के होते हैं और दे आर पैरामैग्नेटिक बट मैग्नेटिकट्रेटेड सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलकर पेरअप कर जाते हैं जिसकी वजह से सोल्यूशन डायमैग्नेटिक और कलर चेंज हो जाता है ब्रॉन्स में तो कलर किसकी वजह से था अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से देन अगर इसको बहुत देर तक ऐसे ही छोड़ दिया जाए लॉन्ग स्टैंडिंग देन इट फॉर्म मेटल मेटलएच टू अब सीरियसली सॉरी नॉट सीरियसली सिमिलरली ग्रुप टू मेटल की बात करें तो वो भी अमोनिया में डालने पे वो भी इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं अमोनिया के साथ एंड इनका कलर ब्लू की जगह डीप ब्लू ब्लैक होता है राइट अब बेसिसिटी अगर हम बात करें मेटल हाइड्रोक्साइड एमओ एच अल्कली के हाइड्रोक्साइड ठीक है या अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप वन ग्रुप टू ये सारे के सारे इनकी बेसिसिटी डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ती है और डेल्टा एच फॉर्मेशन की बात करें अगर हम हेलाइड में अल्कली के हेलाइड में तो बेटा फ्लोराइड और बाकी के हेलाइड में ऑर्डर उल्टा है फ्लोराइड में क्या है एल का डेल्टा एच फॉर्मेशन हम मॉड ले रहा हूं इसमें मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं क्योंकि डेल्टा एच फॉर्मेशन नेगेटिव आएगा तो एल आई एफ का ग्रेटर है एन एफ से फिर के एफ फिर आरबीएफ फिर सीजीएम राइट तो मतलब एल आई एफ में सबसे ज्यादा डेल्टा एच फॉर्मेशन है मैग्नीट्यूड देखा जाए बट अगर हम क्लोरो ब्रोमो और आयोडो ठीक है ये कंपाउंड देखें अलगली मेटल्स के तो उनमें उल्टा होता है उनमें डाउन दो ग्रुप जाने पर जो डेल्टा एच फॉर्मेशन है वो बढ़ता है ठीक है तो ये ट्रेंड एक बार इसको पढ़ लीजिएगा इंपॉर्टेंट है और एल आई एफ एल आई एफ में क्या है एल आई पॉजिटिव होगी छोटा कैटायन है एफ नेगेटिव छोटा एनायन है तो इसीलिए इसका जो डेल्टा एच लेटिस है वो बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से इसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाती है सीजियम आयोडाइड में क्या है कटायन भी बहुत बड़ा है एनायन भी बहुत बड़ा है इसलिए उसको तोड़ना बड़ा आसान हो जाता है लेटिस एनर्जी बहुत कम है और बड़े साइज की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी और भी ज़्यादा कम है इसलिए भी उसकी लो सॉलिबिलिटी है तो जब दोनों छोटे हैं तब भी सॉलिबिलिटी कम है जब दोनों बड़े हैं तब भी सॉलिबिलिटी कम है तो सर इसमें सॉलिबिलिटी ज़्यादा कब होती है इसमें ऑलवेज याद रखिए अल्कली मेटल हेलाइट में मिसमैच होना चाहिए साइज़ का

िटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस बट अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में क्या होता है ग्रुप टू के कार्बोनेट सल्फेट इनकी डाउन द ग्रुप जाने डिक्रीज करती है Even alkali के, आ, पर मतलब जैसे एल आई सी एल ओ फोर ले लीजिए ठीक है तो ये एमसीएल का मतलब है कि ग्रुप वन के पर क्लोरेट इनकी और नाइट्रेट की भी डाउन द ग्रुप जाने पर सॉलिबिलिटी घटती है याद ही करना आपको ये अब जगह हम फ्लोराइड की बात करें ग्रुप टू के MgF2, टू SrF2, एफ टू एस आर एफ टू बी एफ टू इनको देख के क्या लग रहा है आपको कि डाउन द ग्रुप सॉलिबिलिटी बढ़ रही है यस, बट सडल तो आपको BeF2 एफ टू आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि शुरुआत में होगा बट एक्चुअली BeF2 एफ टू की सॉलिबिलिटी काफी हाई है यहां तो ये एक तरह का एक्सेप्शन है क्योंकि नॉर्मल अगर आप ट्रेंड देखो तो ये डाउन द ग्रुप दिख रहा है कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं बढ़ रहा है बीई एफ टू स्टार्टिंग में आना चाहिए बी एफ टू यहां पे हाईएस्ट रहता है देन सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सोडियम बाइकार्बोनेट में इंटर मोलिकुलर होती है जिससे लॉन्ग चेन पॉलीमर बनाता है और पोटेशियम में इंट्रा मोलिकुलर होती है जहां दो मोलिकुलर आपस में मिल्कि एक डाइमर बनाते हैं वॉशिंग सोडा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट सॉरी सोडियम कार्बोनेट डॉट टेनएच टू आ गया बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट ये माइल्ड एंटीसेप्टिक भी और ये फायर एक्सटिंग में यूज करते हैं क्योंकि ये CO2 जनरेट करता है हीट करने पे। ठीक तो है? और सोल्वे प्रोसेस से इसको बनाते हैं हम. सोल्वे प्रोसेस इस बात का फायदा उठाता है कि सोडियम में बनेगा दैट इज इनसोलिबल और वो उसको कर, कर, बाहर निकाल लेते हैं और उसको हीट करके जब हम तोड़ेंगे मतलब उसको हीट करेंगे तो वो जनरेट करेगा तो सोल्व प्रोसेस में क्या है अमोनिया प्लस प्लस अमोनियम कार्बोनेट बनाते हैं फर्दर और कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहो रहोनियम बाई कार्बोनेट बनाएगा उसमें एन ए सी एल डाले तो सोडियम बाई कार्बोनेट और एन एच फोर सीएल अलग हो गए अब ये सोडियम बाई कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट था तो उसको आप फिल्टर करके अलग निकाल लोगे और उसको हीट करोगे तो सोडियम बाइ सोडियम कार्बोनेट प्लस सीओ टू प्लस एच टू अब सीओ टू है ये तो रिसाइकिल होकर वापस से यहाँ पे यूज हो जाएगी एज ए रिएक्टेंट और ये जो NH4Cl था क्या सर ये वेस्ट प्रोडक्ट है नो एन एच को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करके अमोनिया प्लस प्लस CaCl2 plus H2 बनाते हैं अमोनिया वापस से हो जाती है रियक्टन में चली जाती है जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है कैल्शियम क्लोराइड और ये एन ए टू सी थ्री कहां यूज होता है टू मेक ग्लास सोप बोरेक्स सोडियम हाइड्रोक्साइड पेपर पेंट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठीक है इन सब जगहों पे Na2O2 का रिएक्शन अगर आप देखें तो ये गर्म और ठंडे पानी के साथ डिफरेंट है कोल्ड वाटर के साथ ही एन ए एच प्लस एच टू ओ टू देता है जबकि गर्म पानी के साथ ही एन ए एच प्लस ओ टू देता है तो मतलब आप समझ लीजिए कि गर्म पानी में जो एच टू ओ टू वो फर्दर टूट के एच टू प्लस ओ टू में कन्वर्ट हो जाएगा एन ए एल नॉर्मली पानी एब्सॉर्ब नहीं करता पर आपने देखा होगा कि टेबल सॉल्ट मॉइस्चर एब्जॉर्व कर लेता है वो क्यों करता है क्योंकि उसमें एम जी सी एल टू और कैल्शियम क्लोराइड की इंप्योरिटीज़ होती हैं जो कि डेलिकुसेंट कंपाउंड हैं एन एच कस्ट्रोकन सेल के थ्रू हम बनाते हैं जिसमें ग्रेफाइट का एनोड होता है और मकरी का कैथोड होता है अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप सीओ टू से ट्रीट करें तो एसिड बेस रिएक्शन होगा एन ए टू सी ओ थ्री सॉल्ट एन ओ टू से ट्रीट करेंगे तो एन ए एन ओ टू और एन ए एन ओ थ्री दोनों बन सकते हैं यहां पे एस ओ थ्री से ट्रीट किया तो एन ए टू एस ओ फोर पीबीओ से ट्रीट किया तो एन ए टीबीओ टू एस एन ओ के साथ एन ए टू एन ओ टू जेड एन ओ के साथ एन ए टू जेड एन ओ टन ओ टू के साथ एन ए टू एस एन ओ थ्री इंपॉर्टेंट है ये देन अब सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप डाइल्यूट और ठंडा लें ठीक है डायलूट कोल्ड डायलूट एन तो और इसको हेलोजन के साथ आप ट्रीट करें नॉट फ्लोरीन ठीक है सी एल टू बी आर टू आई टू तो ये एन ए एक्स प्लस एन ए एक्स देता है जो कि एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है पर यहीं पर अगर आप हॉट एंड कंसनट्रेटेड एन एच लेते हैं तो वो एन ए एक्स प्लस एन ए एक्सो थ्री तो यहाँ पे एक्स आपका प्लस फाइव और माइनस वन में है ठीक है ऊपर आपका ये माइनस वन और प्लस वन में है Right? तो ये दो तरह के, आपके आगे। के साथ एन एल टू प्लस एच टून एल सी एल थ्री से ट्रीट करेंगे तो पहले यह एल्यूनियम हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिटीट बनाएगा जो कि फर्दर और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पर उसमें डिजोल्व जाता है ट और एस एनशियल टू के साथ इन द दिग्निंग एंड देन फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने का सोल्यबल कंपाउंड बन, बन जाएगा मतलब सोल्यूशन इट विल बी सोल्यबल बीई टू सी बेरिलियम कार्बाइड बेरिलियम कार्बाइड आपको इसको मिथेनाइड भी बोलते हैं क्योंकि इसको पानी में डालने पर हाइड्रोलिस करते हैं तो सी एच फोर जनरेट होता है हाइड्रोक्साइड तो सबके बनेंगे तो साथ में सी एच फोर जनरेट होगा तो सी एच फोर देने वाले को क्या बोलते हैं मिथेनाइड एसिटिलीन एसिटिलीन मतलब मैग्नीशियम दो तरह के कार्बाइड बनाता है तो एम जी टू सी थ्री का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं इट गिव्स यू प्रोपाइन तो उसको प्रोपानाइड बोलते हैं ए एल फोर सी थ्री ये भी आपको मिथेन देता है तो उसको भी मिथेनाइड बोलेंगे मतलब बेरिलियम का कार्बाइड और एल्यूमिनियम का कार्बाइड दोनों आपके क्या है हैं देन कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम सॉलिड है वाइट कलर का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब देखो इस कैल्शियम इस ऑक्साइड में अगर थोड़ा सा मॉइस्चराब्व कर ले थोड़ा सा पानी कर ले तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा अभी भी ये सॉलिड ही रहेगा कलर का पर इसको और पानी डालते जाओगे तो फिर ठीक है सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लेक लाइम और पूरा पानी में आपके उसने सोल्यूशन बना दिया है टू सी एसओन एच टू या सी एसओ को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस ठीक है तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्व करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्व करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपने देखा होगा इसका जब हम इसमें पानी डालते हैं इसको में तो पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये गर्म पानी में अच्छे से डिजोल्व नहीं होता है ठंडे पानी में अच्छे से डिजोल्व होता है क्योंकि इसकी डिजोल्यूशन एक्सोथर्मिक है इसलिए लो टेम्परेचर पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो सीओ एच ट्राइस इज मोर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर देन इन हॉट वाटर तो ये देखिए ये आपका लाइम वाटर है मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्व सोल्यूशन और जैसे उसमें सीओ टू पास करेंगे तो उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा उसकी वजह से धीरे धीरे मिल्की कलर इस पर आ रहेगा और ये आप मिल्किनेस यहां पे देख सकते हैं कैसे अपीयर हो रही है तो टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस टू सी एल टू गिव यू सी ए सी एल टू प्लस सीए ओ सल टूज दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर देन तो सीए ओ को अगर आप कोक के साथ हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे अराउंड टू थाउजेंड डिग्री सेल्सियस पे देन इट गिव्स यू टू कैल्शियम कार्बाइड उसको फर्दर नाइट्रोजन से ट्रीट करेंगे तो सी एस एन टू प्लस सी दैट इज नाइट्रोलियम जो कि एक फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है क्योंकि हाइड्रोलिस करने पे पानी से रिएक्ट करने पे ये अमोनिया जनरेट करता है देन अगर हम प्लास्टर ऑफ पैरिस का प्रपरेशन देखें तो प्लास्टर ऑफ पैरिस कैसे बनता है देखिए आपके पास जिप्सम सी एसओ डॉ टू एच टू ये पहले आपका इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है मोनोक्लिनिक थोड़ा सा हीट करने पे ये पहले कन्वर्ट होता है ऑर्थोरम्बिक जिप्सम में मतलब पहले वो सिर्फ वो अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज करेगा फिर फर्दर आप उसको अराउंड 390 नाइनटी कैलविन एक डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो ये सी एस ओ फोर डॉट हाफ एच टू दैट इज पी बनाता है इसको फर्दर और हीट करने पे पर डेड बर्न प्लास्टर सी एस ओ फोर देता है उसको फर्दर और हीट करने पर सी ईओ प्लस एस टू टू प्लस टू आपको मिलती है गैसेज राइट अब ये जो प्लास्टर ऑफ पैरिस है ये क्या करता है जब उसको पानी के साथ मिक्स करते हैं तो ये वापस से धीरे 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 हार्ड होता जाता है उस प्रोसेस में ये पानी को एब्सार्व करता है और वापस से जिप्सम बनाता है एम जी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है अराउंड ट्वेंटी एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इसीलिए इसको रेफ्रैक्ट्री लाइनिंग के लिए यूज किया जाता है मतलब जो आपकी फर्नेस है उसके अंदर की जो वॉल्स है उसमें लाइनिंग मटेरियल के इसको यूज किया जाता है अब सीमेंट की कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है देखिए सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड आपका मेन कॉम्पोरेंट है फिफ्टी टू सिक्स परसेंट एस आई यू टू आपका बीस से पच्चीस परसेंट ए एल टू थ्री पांच से दस एम जी ओ दो से तीन एफ ई टू थ्री एक से दो और एसओ थ्री एक से दो और एक अच्छी क्वालिटी के पोर्टलैंड सीमेंट में सिलिका और एल्यूमिना का जो रेशियो है दैट शुड बी अराउंड टू पॉइंट फाइव से लेके फोर के बीच में और पोर्टलैंड सीमेंट के मेन जो इंपॉर्टेंट थ्री इंग्रेडिएंट्स है डाई कैल्शियम 26 छब्बीस परसेंट ट्राई कैल्शियम सिलिकेट फिफ्टी वन और ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट अराउंड इलेवन परसेंट ये परसेंटेज याद रख लीजिए और कम्पोनेंट याद रख लीजिए और एडल्ट बॉडी में अराउंड ट्वेंटी फाइव ग्राम मैग्नीशियम 1200 ग्राम कैल्शियम और 5 ग्राम आयरन और 0.06 ग्राम कॉपर होता है और कैल्शियम कंसेंट्रेशन जो प्लाज्मा में होती है वो लगभग 100 मिलीग्राम पर लीटर होती है और इसको मेंटेन करने के दो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं कैल्सिटोनिन एंड राइट एंड आर सम प्रॉपर्टीज जिनको पॉज करके आप देख सकते हैं एंड आल्सो ऑल्सो अपलोड द नोट्स ऑन द टेलीग्राम यू कैन जस्ट सर्च माई मोर ट्रेंड्स ठीक है आपके लिए तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो लाइक करिए शेयर करिए एंड Don't forget to subscribe. Chill. All the best. Have a wonderful day. Bye.